हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाली हूँ प्याज की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसमें लहसुन, मेथी दाना और हींग डाल दिया है। उसे थोड़ा गरम करेंगे, फिर मैंने यहाँ प्याज काट के रखा है, इसको प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए। और थोड़ी देर हम इसको रोस्ट करते रहेंगे, 5 से 10 मिनट लगेगा इसको हल्का ब्राउन होने में। जब तक हम इसमें, मुझे रोस्टेड पीनट्स चाहिए, मूंगफली दाना तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो उसको ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ जैसे दानेदार। और ये हो गया है दानेदार, और अभी हमारी प्याज भी थोड़ी हो गई है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे अभी हल्दी पाउडर, नमक करेंगे। सच में आप एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा हटके है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठे, पूरी, बाटी। हम लोग ज़्यादातर बाटी के साथ खाते हैं। इसको कवर कर देंगे ताड़ी, और इसमें हम अपने सारे मसाले डालेंगे। ये हो गया है, हाफ कुक हो गया है, तो इसमें हम रेड चिल्ली, लाल मिर्च पाउडर, आपको जैसा डालना हो। मुझे थोड़ा तीखा चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला। और ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाला, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना तो अच्छा लगेगा। और मिक्स करना है इनको थोड़ी देर हम लोग। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा बेसन मिक्स किया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम मिक्स कर देंगे और ये 5 मिनट के बाद ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आपको जैसा चाहिए हो, तीखा चाहिए तीखा कर सकते हैं, मुझे तीखा चाहिए था क्योंकि मैंने बाटी के साथ बनाया था। और मिक्स कर लेंगे सबको, और जब थोड़ा हो जाए उसके बाद हम ये जो हमने मूंगफली का पाउडर जो बनाया था उसे मिक्स कर देंगे, और उसे थोड़ी देर स्लो मीडियम आंच पर सेकेंगे ताकि वो मूंगफली दाना जले भी ना और अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीज़ें। और देखिए, मैंने तो इसको अपने बाटी के साथ बनाया था, और दाल और सैलेड और ये प्याज सच में बहुत